वीर जी सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। तो जिन्हें भी मरीज 5 साल तो सेवा चल रही है जी, जिन्हें भी साढ़े को मरीज आए सारे ठीक हो गए गए आ, तो मन में बहुत खुशी होती है। किवें किवें मरीज आउंदे आ तुहाडे कोल? हाँ जी वीर जी, ये सारे जी इदां मंगण मुंगण वाले ज़्यादा मरीज आउंदे आ जी, जिदा नशा भी करते आ, तो इन्हां दे कई मरीजों के कीड़े भी पए होंदे जी। बाकी जदों कोई आउंदा फिर हौली हौली बाबा जी की कृपा ना अज तक ठीक हो के गए सारे, तो बाबा जी सेवा लै रहे जी। सेवा कोल ही कर रहे हो या कोई सहयोगी है? नहीं वीर जी, अपना संगत जुड़ी है जी, संगत के सहयोग नहीं चलती सेवा, कल्ले नहीं कुछ भी कर सकते, संगत ही कर रही है। एक साड़ी टीम है जी, साड़ी टीम है, टीम वर्क आ, बहुत सारे मुंडे बहुत चंगे आ जिहड़े साडे नाल जुड़े आ जी। जिवें तुसी मैडिकल लाइन दे विच है नहीं हो तो जो शुरुआत करते हो तो कितने ना कितने मुश्किल नहीं आएगी? मैडिकल लाइन की कोई नॉलेज नहीं है, मैं किस तरह काम करांगा? देखो जी, अपने नाल जिहड़े मुंडे आ सारे मैडिकल लाइन दे विच काम करते आ, तो पहला पहला लगता ही, हुण जदों फिर गाइडलाइन ले ली दी आ, जिदां डॉक्टर साहब नूं फोन कर लेंदा, हाँ जी भाजी इन्ना जख्म आ किदां जी, पर हुण तां एक्सपीरियंस बहुत हो गया जी, बाबा जी की कृपा हो गई, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। पहला आउंदी ही मुश्किल, तो आपां डॉक्टर साहब नूं पुछ लईदा वी हाँ जी डॉक्टर साहब किदां जी, वो फिर अपने जुड़े ही वो सारे दस देंगे डॉक्टर साहब, अपना जी कह जो प्रॉब्लम आती ही तो हल कर देंगे। सर की कहना चाहते हो जी, तुम बहुत वड्डी सेवा कर रहे हो? बस सर काफ़ी देर हो गई जुड़े हुए नाल, तो हूँ तो आदत जी पै गई है, बस करी जाइए सेवा, बस बाबा जी का नाम लेकर सेवा करी जाइए, बाबा जी करा रहे सेवा जो भी करा रहे। हाँ जी, उन्हां नौजवानों नूं की मैसेज देना चाहुंदे हो जो अपना समा नशियां दे विच कढ दिंदे आ या ऐसे ही, मतलब कोई जिहड़ा इस तरह का सेवा वाला काम नहीं करते? सर उन्होंने कहेंगे वध तो वध साडे नाल वध चढ़ के सेवा करो, बस जो इधर ध्यान हो जाएगा फिर नशियां वाला आपे नहीं जाएगा, आपे टाइम इधर स्पेंड होने लग पेगा उन्हां दा। हाँ जी, की मुश्किल आई जी तुहानूं? बाबा जी मेरे प्लेट पई, तो मेरे प्लेट के घर की तंगी करके मेरे को मजदूरी करता वा, तो प्लेट का खर्चा नहीं निकलिया, तो सरकारी इलाज कराया है, तो उन्होंने प्लेट गलत कढ़ती आ, तो अजे तक जख्म ठीक नहीं हो दिया, उन्होंने 1.5 साल हो गया इन्हें बाबा जी के आने, ये आते हम प्लास्टिक सर्जरी होनी आ, तो हॉस्पिटलों पूछा वो कहें 80,000 का खर्चा है, तो मैं दिहाड़ी तो बंदा करता वा, हूँ इन्हें महाराज इन्होंने कहा भी तेरा प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, तो जिन्ना साडा बचता दवाई खर्चा तेरा दवावे। सत श्री अकाल, पंजाब स्टार टीवी देख रहे हो तुसी, असीं इस समय मौजूद हाँ अमृतसर के गुरद्वारा शहीदा साहब के नज़दीक। सेवा तो तुसी बहुत देखिया होणगीआं, पर इत्थे जो इन्हां वीरां वल्लों सेवा निभाई जा रही है, मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि वह जरूर दिखाउण, जिहड़े भी लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिन्हां कोल पैसे नहीं हैगे, ये लोग जो इत्थे आण के अपना मुफ्त दे विच इलाज करवाउंदे ने। सो गलबात करते हैं और जानते हैं जो भाई साहब इतने सेवा निभा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, की कहना चाहते हो जी, ये तुहाडे द्वारा जिहड़ी सेवा निभाई जा रही है? वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी सेवा करके बहुत खुशी मिलती है, तो जिन्हें भी मरीज 5 साल तो सेवा चल रही है जी, जिन्हें भी साढ़े को मरीज आए सारे ठीक हो गए गए आ, तो मन में बहुत खुशी होती है। किस तरह के मरीज होंगे जिवें अं देखिए कि तुम इन्हों पट्टियां कर रहे हो, जख्म बड़े व्डे इतने दिखाई दे रहे थे, किवें किवें मरीज होंगे तुहाडे कोल? हाँ जी वीर जी, ये सारे जी इदा मंगण मुंगण वाले ज़्यादा मरीज आते जी, जिदा नशा भी करते हैं, तो इन्हों कई मरीजों के कीड़े भी पे होंगे जी। बाकी जो कोई आता फिर हौली हौली बाबा जी की कृपा ना अज तक ठीक हो के गए सारे, तो बाबा जी सेवा लै रहे जी, अपने बस की गल नहीं, बाबा जी सेवा करा रहे हैं, उन्हां दी कृपा नाल ही सेवा हो रही है जी। बाबा जी किस तरह शुरुआत किस तरह होंगी, जिवें तुसीं दस्सिया कि 5 साल तो तुसीं इत्थे सेवा कर रहे हो, शुरुआत किस तरह होंगी है, तुहाडे मन दे विच किस तरह आउंदा कि इस तरह की सेवा निभाई जाए? हाँ जी वीर जी, अज तो 5 साल पहला मैं तो मेरा फ्रेंड मनजिंदर सिंह सरपंच पिंड जगतपुरे तो आपां ना इधर दी जा रहे, इधर पहला गेट होंदा पहला बेसमेंट नहीं बनी, हाँ जी तो 2 मंगते बैठे ही, तो उन्होंने 1 मंगते ना जो दूजे मंगते ही ना गालां कढ़न डे भी तू इतों हेड लगों चल जा, मैं तो मेरे फ्रेंड ने वेख्या भी की प्रॉब्लम चैक किया भी की कारण है क्यों गालां कढ़न डे, फिर वेख्या तो वो ना
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਲਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਹਲਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜੀਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਦਈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 4:30 ਤੋਂ 7 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ, 4:30 ਤੋਂ 7 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ, ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼, ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ, ਧੁੰਦ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਆਈਦਾ ਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਲਾਗੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢ ਲੋੜ ਆ, ਵੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਦਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਲਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੇਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
तो सारा वेख के पेशेंट वेख के उस हिसाब न पट्टियाँ करी दी दवाइया दे दी। वीर जी तुम की करते हो जिस तरह भाई साहब का तो मैडिकल लाइन रिलेटड नहीं है तो तुम की करते हो इस तो इलावा? सर मैं एम आर मैडिकल लाइन च ही हाँ। हाँ जी सर थोड़ी बहुत नॉलेज हैगी भी सी थोड़ी बहुत इतने डॉक्टर साहब आते नाल बेंदे आ तो वह दसते रहेंगे फिर उस हिसाब न करी जाइए। किस तरह के पेशेंट होंगे? पेशेंट सर वो जो माड़े पेशेंट आते जो मतलब कि अपने दवाइया नहीं लै सकते जिमें रिक्शे वाले गरीब मंगने वाले बेचारे इतने जोड़े होंगे तुम्हें पता पेशेंट योजे भी आते जिन्हें जख्मों के कीड़े पे होंगे वह भी कड़ दिए आप छोटे जे लिफाफे तक सेवा शुरू की थोड़ी जी दवाइया होंगे ही तो थोड़ी जी पट्टिया होंगे बाबा बाबा दीप सिंह जी की इन्नी कृपा कि ट्रंक भरे अंदर दवाइया ने आ कमरा साढ़े को है पूरा नाल अंदर पिछे है जरा कमरा रामगढ़िया गेट के नाल अरे अंदर सारा स्टॉक पाया बारिश आँदी है तो अंदर पट्टिया करी दी। हाँ जी उन्होंने नौजवानों की मैसेज देना चाहते हो जो अपना समा नशिया के कड़ देंगे या ऐसे ही मतलब कोई जिहड़ा इस तरह का सेवा वाला काम नहीं करते? सर उन्होंने कहेंगे वो तो वाडे नाल वल चढ़ के सेवा करो बस जो इधर ध्यान हो जाएगा फिर नशे वाल आपे नहीं जाएगा आपे टाइम इधर स्पेंड होने लग पेगा उन्होंने। हाँ जी सो साढ़े नाल होर भी भाई साहब मौजूद है जो सेवा करते हैं। जी भाई साहब की कहना चाहते? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बाबा जी बहुत वधिया लगता बाबा जी महाराज के घर जुड़े हैं जी सेवा कर रहे हैं बहुत वधिया लगता बहुत देर तो सेवा कर रहे हैं बस अगे भी यही प्लैन है महाराज सेवा बनाई रखे तो इदा महाराज के चरणा सेवा करते रहे। बाकी साढ़े को बहुत तरह के मरीज आते भाजी पहले वीर होना ने व्डे वीर होना ने तो वीर होना ने दसिया तू तो जे नशे की गल करो भाजी बहुत ज़्यादा इतने जोड़े नशे करते बंदे वो भी आते हैं वो छड़ना चाहते हैं उन्हों की मदद भी करी दी उन्हों का मतलब जिदा ला लो कोई टीका ला लें वा वो लत च इनफेक्शन हो जाती है बांह च इनफेक्शन हो जाती है उन्होंने दवाई दे के उन्हों तो गलत कामों तो दूर रखी दा वा तो इदा फिर महाराज की कृपा ना कई मरीज सही भी होए आ सही हो के साडे नाल कई सेवा भी करते अपना टाइम कढ़ते चंगे कामों लगे आ अपना रोटी पानी तो लग चुके इदा ही बस महाराज की कृपा के नाल बहुत ज़्यादा वधिया सेवा आ बस मैसेज भी यही है कि सेवा करनी चाहिए है जी तो सेवा करो महाराज के चरणा च जुड़ो बस वाह। डॉक्टर साहब की कहना चाहते हो तुसी बहुत वड्डी सेवा जिहड़ी तुहाडी टीम वल्लों निभाई जा रही है? वाहिगुरू जी धन धन बाबा दीप सिंह की सोसायटी बनी हुई है सब तो पहले साढ़े बिले भाजी है जगतपुरे के उन्होंने चालू की सेवा मैं तो इन्हों साढ़े तीन साल हो गए इन्होंने जुड़िया वे पहले सेवा निभाते पे ही बाकी बहुत वधिया वधिया उपराला इन्हों का जी मैं तो यही कहना चाहना कि जिनी की सेवा बंदे को होंगी वो कर ले तो सब तो वधिया। मैं शामी पाँच तो छे एक घंटा अपना सेवा का करी जान के मैं आर एम पी डॉक्टर हैगा जी। हाँ जी किस तरह के मरीज होंगे तुहाडे कोल? मरीज भाई वही जोड़ां दीआं दर्दां गोडे गाडे दर्द खांसी जुकाम वाले पेशेंट ही आपां ज़्यादा फर्स्ट एड का ही काम करीदा जे कोई ज़्यादा सीरीयस कोई पेशेंट होता उन्हूं आपां हस्पताल रैफर कर दीदा उत्थे जो भी उहदी मैडिसिन हुंदी है डॉक्टर लिखदा है जे वह लै सकदा ठीक है नहीं तो यही आपां इत्थों अवेलेबल करा दी है। सर संतां नूं मैसेज इह देणा है कि सेवा करो महाराज का नाम लवो तो सेवा निभाओ जिनी निभाई जा सकती है महाराज चंगा। जो व्यक्ति इत्थे अपना इलाज करवाउणा है गलबात करदे आ। हाँ जी की मुश्किल आई जी तुहानू? बाबा जी मेरे प्लेट पई सी ते मेरे प्लेट दे विच घर दी तंगी करके मेरे कोल मजदूरी करदा वां ते प्लेट दा खर्चा नहीं निकलिया ते सरकारी इलाज कराया है ते उन्हां ने प्लेट गलत कढ़ती आ ते अजे तक जख्म ठीक नहीं होण डिया उन्हें साल डेढ़ साल हो गया इन्हां दे बाबा जी दे आउणे आ इह आंदे हुण प्लास्टिक सर्जरी होणी आ ते हॉस्पिटलों पुछा उह कहिंदे 80,000 दा खर्चा हैगा ते मैं दिहाड़ी ते बंदा करदा वां हुण इन्हां महाराज इन्हां ने कहा वी तेरा प्लास्टिक सर्जरी करा दांगे तो जिन्ना साडा पैंदा दवाई खर्चा तेरा दवावांगे। मेरे दो बच्चे निके निके अज दिहाड़ी करके आया शामी पट्टी कराउण डिया इन्हां तो जख्म अजे तक नहीं राजी होण डिया जी उन्होंने प्लेट कढ़ती आ पता नहीं प्लेट कढ़ी जां कढ़ी ना कि सही काम नहीं होया आ वेखो जख्म सारे हड्डी दे पूरे दिखण डिया जी तो इन्हां भाजी उन्होंने कहा भी तेरा इलाज करा देंगे कोई गल नहीं इन्हां दी बड़ी मेहरबानी भाजी होना जी। हाँ जी हाँ जी भाजी की कहना चाहते हो तुम अपना इलाज करवा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू गोड़िया की प्रॉब्लम हैगी सट्टा लगियां एक्सीडेंट होया ही तो साढ़े को रक्षा नहीं मगदा तो अं पुलिस नालों कई बार गए हाँ तो साड़ी कोई सुनाई नहीं कर रहा है अं बैंक च भी गए वो आते भी इलाज इलाज अं ते को फरियाद की भी कोई साड़ी राही कोई साड़ी फरियाद सुनेगा हाँ
दो तीन जगह गए वो आते ढाडी नहीं लग सकती पुलिस हूँ साढ़ी 62 साल की उम्र हो गई है। सो तुसी सुनिया कि जो शहीदा साहब गुरद्वारा साहब के लागे ये वीर सेवा निभा रहे हैं और जो लोग इतने अपना इलाज भी करवा आ रहे हैं उन्होंने जिमें दसिया कि घर के पैसे की तंगी होने करके और कुछ लोग जेडे इतने मंग के गुजारा करते भी इतों आण के निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। तुहानू इन्हां दा अड्रैस दस दें अमृतसर के शहीदा वाला शहीदा साहब जो गुरद्वारा साहब है उसके नज़दीक ही ये अपनी सेवा निभा रहे हैं और दवाइया भी इतों मुफ्त मिलदियां ने। सो तुसी इस तरह जुड़े रहो पंजाब स्टार दे नाल तुहानू नवी तो नवी अपडेट देंदे रहेंगे। कैमरामैन JP सनोत्रा के नाल अमृतसर तो प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट।